खबर रीवा से है, जहां के मऊगंज उप पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र शर्मा के स्थानांतरण पर स्थानीय होटल मिडवे कैफे में स्थानांतरण होने पर एक सादे समारोह में एमसीसी के वरिष्ठ खिलाड़ियों और पत्रकारों के द्वारा विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश मऊगंज कपिल नारायण भारद्वाज, मऊगंज थाना प्रभारी श्वेता मौर्य, हनुमना थाना प्रभारी शैल यादव मौजूद थे। निवर्तमान एसडीओपी ने कहा कि मऊगंज से उनका खास लगाव रहा है। उन्होंने सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति, टीम की भावना से काम करते रहने पर बल दिया और कहा कि मऊगंज अनुभाग के अंतर्गत थाना क्षेत्रों में शांति सुरक्षा व्यवस्था और यहां के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप बेहतर तरीके से काम करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने सबका धन्यवाद दिया और आगे भी सभी से सचेत रहकर अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने मऊगंज के लोगों और उनके साथ काम करने वाले थाना प्रभारी एवं पुलिसकर्मियों के सहयोग की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया और कहा कि यहाँ पर सभी का हर विपरीत परिस्थितियों में सहयोग मिला, जो उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। जो पुलिस और यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो हम लोगों का क्रिकेट चला, इससे पूर्व जब डावर सर थे उन्हीं के मार्गदर्शन में स्टार्ट हुआ था और फिर एसडीओपी साहब ने उसको कंटिन्यू रखा। और इसको लेकर के एक पॉजिटिव चीज़ ये रही कि हम लोगों ने यहाँ के अच्छे अच्छे बड़े बड़े लाइन ऑर्डर्स भी बड़ी आसानी और मतलब सूझबूझ के साथ अपने आप स्वतः निपटा लिया। मैं सर के बारे में कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में कल्पना करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, और मैं निश्चित तौर पे अपने जीवन में उस व्यक्ति को पाया जिसके साथ मैं हमेशा अभी ऐसे एसएचओ काम किया हूँ, आगे भी सर के साथ जितना मुझे मौका मिलेगा काम करना करूँगा और प्रभु से कामना भी करूँगा कि मुझे बार बार सर के साथ काम करने की। और जून 2021 से शाहपुर में पोस्टिंग थी, तभी से सर का साथ मेरे साथ में था। उसके बाद में बीच में थोड़ा गैप भी हो गया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर के उत्साहवर्धन के कारण ही मैं मऊगंज आई। और मऊगंज में मैंने जो भी काम किया सर के निर्देशन में किया, यहाँ जितने भी गंभीर मामले आए, लॉ एंड ऑर्डर आया, उन सब में सर ने मेरा पूरा पूरा मदद किया। सर के जाने का दुख तो सबसे ज़्यादा मुझे को है, क्योंकि अब सर के पहले तो डबल सर चले गए थे, उसके बाद में ये था कि सर जब तक हैं तब तक मैं यहाँ पर उनके निर्देशन में अच्छा काम करूँगी। तो इस कारण से ये है कि सर के उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हूँ मैं, कि वो भी अपने परिवार के साथ में रहे। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ नववर्ष की बधाई के साथ। हम सब यहाँ मिडवे कैफे में एकत्रित हुए हैं और वो क्षण विलक्षण जड़ क्षण जो थे हमारे बीच, हमारे मऊगंज के एसडीओपी आदरणीय श्रीमान शैलेंद्र शर्मा जी, बड़े अफसोस और मैं यूँ कहूँ कि दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच से जिन्होंने अपनी सेवाएं और हमें सुरक्षा प्रदान करते हुए हमारा पूरा सहयोग किया हमारे मऊगंज के आम नागरिकों के, तो मैं इनके स्थानांतरण के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आदरणीय शर्मा साहब का स्थानांतरण यहाँ से बालाघाट जिले में हुआ है और हम सब उनके छोटे भाई की तरह हैं और हम सबों को बहुत कष्ट है इस विषय का कि हमारे शर्मा जी का जो भी हम लोग के ऊपर सहयोग था, निश्चित रूप से वे साधुवाद के पात्र हैं और यहाँ से ट्रांसफ़र के रूप में वो यहाँ से स्थानांतरित हो रहे हैं।